नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 9 ममता। ममता एक कहानी है और इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के लिए अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसको स्वर्ण राशि भिजवाते हैं, लेकिन डोलियों में छिपकर स्वर्ण राशि भिजवाते हैं, लेकिन ममता उसका अस्वीकार करती है। डोलियों में छिपकर पठान सैनिक को अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी में उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहाँ रहने लगी। लंबा समय बीत गया। बाद में ममता झोपड़ी के ही प्रकाश में गीता का पाठ कर रही थी और वही उन्हें एक भीषण और हताश आकृति वाला एक व्यक्ति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन किया और उसने उसे रात काटने को लिए वहाँ पर स्थान दिया। पहले तो वो झिझकी, लेकिन फिर उन्होंने अपना आतिथ्य धर्म का पालन किया और उसको अपनी झोपड़ी में स्थान दिया और उस झोपड़ी में से वह निकलकर मृगदाव में छिप गई। दूसरे दिन सुबह जब वहाँ पर दूसरे दिन सुबह उनको पता चलता है कि ये तो हुमायूं था। सिरसा से चौसा युद्ध में हारने के चौसा युद्ध के दौरान वो घायल हुआ था और उसी ने रात्रि को वहाँ पे स्थान मांगा था। और सुबह हुमायूं जाते जाते मिर्जा को कहते जाते हैं कि ये स्त्री ने मुझे यहाँ पर रात काटने के लिए स्थान दिया, मैं उसे अपने लिए कुछ नहीं कर सका, तो तुम इसका यह घर बनवा देना। उसको 47 साल हो गए। बाद में हुमायूं के बेटे अकबर ने वहाँ पर अष्टकोण मंदिर बनवाया। उसके शिलालेख पर लिखा हुआ था कि सातों देशों के सम्राट हुमायूं का पुत्र अकबर ने यह मंदिर बनवाया था, लेकिन ममता का कहीं पर कुछ जिक्र था नहीं। तो पूरी स्टोरी यही है कि जिसने अपना सब कुछ दे दिया उसका कहीं पे नाम नहीं, और जिनको एक रात्रि काटने के लिए स्थान दिया उस पर वहाँ पे नाम अंकित हो गया। तो यह कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रची हुई है और उन्होंने इसी कहानी में कैसे कैसे घटनाएं घटती है उसके बारे में हमको समझाया है। दुर्ग, दुर्ग यानी किला, रोहतास दुर्ग। रोहतास दुर्ग, दुर्ग यानी किला। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, उसकी विडंबना का क्या अंत था। देखो, दुर्ग यानी किला, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ यानी भवन के पास वाला कमरा, प्रकोष्ठ यानी भवन के पास वाला कमरा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में जो बड़ा राजा का महल है, तो महल के पास ही का कमरा ये किसका है? ममता का है। ममता सोन, सोन वो नदी है, गंभीर यानी गहरा। उसके जो प्रवाह बह रहा है, प्रवाह यानी बहाव, सो
सोन नदी का जो प्रवाह बह रहा है वो देख रही है। मन में वेदना है, वेदना यानी पीड़ा, मस्तक में अंधी और आँखों में पानी की बरसात हो रही है। और वह आँखों में बरसात लिए विकल, विकल यानी व्याकुल थी। विकल यानी व्याकुल थी और वो रोहतास दुर्ग था, उसके मंत्री की बेटी थी, तो उसको कोई किसी चीज़ का अभाव हो, अभाव यानी अपने पास न होना, तो इसी तो कोई बात थी नहीं। विडम्बना, विडम्बना यानी वह दुख थी, वो दुखी थी, भाग्य विधाता। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेशुद्ध थी। बेशुद्ध यानी तल्लीन, बेशुद्ध। कलनाद, कलनाद यानी पानी की आवाज। नदी थी, उसका प्रवाह बह रहा था और उस पानी के कलकल आवाज में वो भी खोई हुई थी, तल्लीन थी, पिता का आना न जान सकी। और वहाँ पर ये रोहतास दुर्ग के मंत्री ने प्रवेश किया अपने पिता ने, वो भी वह न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। स्थिर यानी निश्चित। अपनी एक ही पुत्री है, वो विधवा है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं वो निश्चित न कर सकती थी। स्थिर यानी निश्चित। स्थिर यानी निश्चित। वो निश्चित न कर सकती थी कि वो क्या कर सके। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, रोज तो ऐसा ही होता था, लेकिन वो बात कुछ और थी। लेकिन आज कुछ रोज जो घटना घटती थी वो तो कुछ और ही थी, लेकिन आज जो मंत्री चूड़ामणि थे उनके पैर सीधे पड़ते न थे। एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। पहर, एक पहर बीत गया, एक पहर बीत गया। और एक पहर बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि चांदी के बड़े बड़े थालों में उनके अनुचर यानी सेवक 10 थालों में, बड़े बड़े थालों में, चांदी के थालों में लेकर आए। और उन्होंने संकेत पाकर उन थालों को वहाँ पर रख दिया और बाद में वहाँ पर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। उपहार यानी भेंट। अपनी पुत्री ने पूछा कि ये क्या है पिताजी, तो उन्होंने कहा, आपके लिए क्या है ये उपहार। उपहार यानी भेंट, ये तुम्हारे लिए भेंट है। और आवरण उलट दिया, जो ढका हुआ वस्त्र था वो उन्होंने हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उन सुनहरी संध्या के विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? जो पीला था, क्योंकि स्वर्ण अस्वर्ण यानी सोना कंचन, विकर्ण, विकीर्ण यानी फैला हुआ, विकीर्ण यानी फैला हुआ। जो स्वर्ण के थाल रखे हुए थे उस पे सूर्य की किरणें पड़ी और सूर्य किरणें पड़ने से वहाँ पे प्रकाश जगमगा उठा।
तो ये देखते ही ममता बोली कि ये और वो चौकुटी के इतना स्वर्ण कहाँ से आया? चुप रहो, वह तुम्हारे लिए है। ऐसा कौन बोलते हैं? चूड़ामणि बोलते हैं कि चुप रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु से उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी रिश्वत। उत्कोच यानी रिश्वत। तो क्या आपने शत्रु से हार मानकर शत्रु से आपने संधि कर ली और आपने उनसे ये रिश्वत स्वीकार की? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख सामंत वंश का अब अंत समीप है। देखो, जो रोहतास दुर्ग था उसका पतन कैसा था? निश्चित था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये इसका पतन अब निश्चित ही है। तो फिर तुम्हारे भविष्य के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। देखो, इस पतन उन्मुख जिसका पतन शीघ्र ही होने वाला हो, जिसका पतन शीघ्र ही होने वाला हो, पतन उन्मुख। प्राचीन सामंत वंश का अंत अब समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न होगा, तब के लिए बेटी, जब शेरशाह इस पे आक्रमण कर लेंगे, उस वक्त हमारे पास न तो मंत्री पद रहेगा उसके लिए, तब के लिए ये सब है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, मैं ये न ले सकूंगी। आप इसको वापस ले लीजिए। जो भी हम ब्राह्मण हैं, मांगकर अपना गुजारा कर सकेंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं। इसके किरणों से, इसकी तेज से मैं अपनी आँखें, मुझे अंधा महसूस हो रहा है, मैं अपनी आँखें खो बैठूंगी। आप इसे मेरे सामने से ले जाए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन डोलियों का ताता रह गया था। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है, अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची गई, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पे पड़े। निकल गई ममता। देखो, उसके पिता जो थे वो तो वहीं पे मारे गए, तोरण पर यानी दरवाजे पर ही वो मारे गए। राजा रानी थे वो सब शेरशाह के हाथ पड़ गए। उनका कोष यानी खजाना था वो भी उनके हाथ पड़ गया। लेकिन ममता उस भवन से चुपचाप वहाँ से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर फैल गए, परंतु ममता कहीं न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। विहार बौद्ध साधुओं द्वारा उनके रहने के लिए बनाया गया भवन, उसे विहार बोलते हैं। तो ये उत्तर में है, और जो मौर्य और गुप्त सम्राटों ने वो बनाया था, अब के वक्त वो खंडहर की हालत में है। लेकिन खंडित शिलालेखों के भवन, खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों के से ढके हुए प्राचीर और ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। तृण गुल्म, घास और लताएं, तूर्ण गुल्म यानी घास और लताएं, क्योंकि अभी खंडहर है, तो वहाँ पे उन खंडहरों में घास उग गया है, लताएं उगी हुई है, तो ऐसी खंडेर अवस्था में है। लेकिन जब वो थे, हमारी संस्कृति का एक प्रतीक थे, लेकिन आज वो खंडे है, लेकिन ये खंडहर ही शीतलता का अनुभव करा रहे थे। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप में भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही
थी भग्नावशेष यानी खंडहर। भग्नावशेष यानी टूटी हुई है, खंडहर है वो। और छाया में एक स्त्री दीपालोक यानी दीपक का प्रकाश, दीपालोक। दीपालोक यानी दीपक का प्रकाश। अन्यावणी संतो माम ये जन पर्युपाशते, अन्याविषयंतो हो माम ये जनाः पर्युपाशन्ते। यानी यहाँ पे कहा गया है, ये श्रीमद् भगवद गीता की एक पंक्ति है, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों का मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। और पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। शेरशाह से उसका युद्ध हुआ है और उसे विपन्न होकर, उससे थककर वो यहाँ पर आश्रय मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। पूछते हैं कि तुम कौन हो? मुगल है वो। और शेरशाह से हार कर वहाँ पर, शेरशाह से युद्ध में उन्होंने थक कर यहाँ पर आश्रय मांगा है। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। होठ काटना यानी क्रोध व्यक्त करना। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। मेरी कुटी यानी मेरी जो झोपड़ी है, वहाँ पर तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम जाओ कहीं और स्थान पा लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ। इतना कहते कहते वह दब से नीचे गिर गया और उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। और विपत्ति, ममता ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने आतिथ्य था, वो एक अतिथि था। और अतिथि जब आते हैं तो हमारा हिंदू धर्म जो है वो उसमें को स्थान पाते हैं। उसने कहा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने उसे पानी दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। घृणा यानी नफरत, विरक्त यानी उदासीन। यही लोग थे जिसने मेरे पिता की रक्षा की थी, सॉरी मेरे पिता का हत्या की थी, जिनके कारण ये दया के पात्र है नहीं। स्वस्थ होकर मुगल पानी पिया और वो स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होने के बाद उसने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री ने विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। देखो, क्योंकि उसके पिता के साथ जो घटना हुई थी वो एक छल था, कपट था, चीटिंग की थी उन्होंने। तो कि क्या बात कि तुम मेरी झोपड़ी में रहो और मुझसे कोई छल ना करो? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ मैं तैमूर वस्त्र स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे तो तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ देते हैं, तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिलामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की कुटी टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम पाया। उसने सोचा कि सब अपना धर्म छोड़ दे
तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ूं? नहीं, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। मुझसे जो बन सकेगा वो मैं करूंगी, भले ही आप लोग जैसे भी हो, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। और उसने कहा कि तुम भीतर चले जाओ। मैं और वो वहाँ से टूटी हुई दीवारों में चले गए। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। देखो, संधि यानी सुराख हो गई, दोनों के बीच में सुराख हो गई। और उसने देखा कि बहुत से अश्वारोही जो अश्व पे आरूढ़ हुए थे वो वहाँ पे घूम रहे थे। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने देखा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि के वह प्रांत में गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई और मूर्ख दाव में चलने लगी। सचेत यानी सावधान, सचेष्ट यानी सावधान। सुबह जब उन्होंने देखा कि बहुत से अश्वारोही वहाँ पे घूम रहे हैं, और तब वो वहाँ सचेत हो गई। मृगदाव में वह छिप गई। मृगदाव यानी शिकारियों से बचने के लिए मृगों जहाँ छुप जाते हैं, ऐसा वन बहुत घिचोघिच वाला होता है, बहुत झाड़ी चकरी वहाँ पे होती है, तो उन सैनिकों से बचने के लिए वो वहाँ पे छिप गई। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक ने घोड़े पर सवार होते हुए कहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में यह मैंने यहाँ पे विश्राम पाया, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। मिर्जा उनके मन पास उनके व्यक्ति थे, उनके एक अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और यहाँ पर एक इस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, तो आप यहाँ पे इसका घर बनवा देना। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी चौपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी में गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियाँ घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। सहभागिनी यानी सबको वो सुख दुख, सुख हो या दुख हो, सबको वो क्या करती थी, मदद रूप बनती थी, जिनके कारण गांव की जो 2-4 स्त्रियाँ थी वो उसके पास थी। ममता ने जल पीना चाह। एक स्त्री ने झोपड़ी से जल पिलाया, सिपी पानी पीने का साधन होता है, उससे पानी पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किसे पूछूं कि एक दिन सहनशाह हुमायूं ने इस किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष की ऊपर है, 47 यानी 47 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आज मैं किनसे पूछूं। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहनशाह था या कोई साधारण व्यक्ति। एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना कि वह मेरा घर बनवाने को आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, आज भी इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम अपना मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम में जाती हूँ। चीर विश्राम यानी स्वर्ग, चीर विश्राम। आप महल बनाओ या घर बनाओ, मुझे इससे कोई मतलब है नहीं। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं अब यह शरीर उन्होंने छोड़ दिया। और वो वहाँ पर कहने लगी कि तुम वहाँ पर मंदिर बनाओ या महल। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए, वो अश्वारोही अवाक रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख पर लगाया गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति पर यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया
पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। गगनचुंबी बहुत बड़ी इमारत बनाई लेकिन जिसका वो स्थान था उसका कहीं पे नाम ही नहीं था। अकबर का नाम था और हुमायूं का नाम था। तो यही है ममता कहानी कि जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ जिन्हें दे दिया और अंत में उन्होंने अपना नाम रहे ऐसा भी कुछ रहा नहीं और अपने आतिथ्य धर्म का उन्होंने पालन किया। तो इसकी एक्सरसाइज अच्छे से लिखना और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।